हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पे फोकस करेंगे। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स को डील कैसे करते हैं। अब काइनेमेटिक्स में एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सारे होते क्या हैं, इनको निकालते कैसे हैं, बेसिक इनके डिफिनीशन क्या है, फॉर्मूला क्या है, ये हम लोगों ने कर लिया था। और मैंने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये कितना पार्टिकल फास्टली या स्लोली चल रहा है वो तो बताता ही बताता है। दूसरा, ये सर्कुलर मोशन का टाइप भी ये डिसाइड करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो भी एंगुलर वेलोसिटी ही बताता है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डिफिनीशन रेट ऑफ कवरिंग एंगुलर पोजीशन या रेट ऑफ कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जैसे हम लोग वेलोसिटी क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैसे यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप चाहो तो एंगुलर पोजीशन के टर्म में बताओ, एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने बताया था ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है। तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी में अगर ओमेगा कांस्टेंट है, मतलब उतने ही रेट से पार्टिकल जो है घूम रहा है। अब जैसे घड़ी के हैंड्स हो गए, अर्थ अबाउट सन, अर्थ अबाउट ओन एक्सिस, यूनिफॉर्मिटी अगर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और फैन में आपने कोई ब्लेड में कोई टिप ले लिया, फैन के किसी आर्म पे कोई पॉइंट ले लिया, तो वो जब आप उसको नॉब से बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, तो आप देखो उसकी जो रेट ऑफ कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज हो रही है। कभी फास्ट है तो ओमेगा बढ़ रहा है, स्लो है तो ओमेगा घट रहा है, स्लो हो रहा है तो ओमेगा घट रहा है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी में एक रिवोल्यूशन की बात करें तो एक रिवोल्यूशन में सर्किल के सेंटर पे 2 पाई रेडियन का एंगल घूमेगा। एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड टी मान लें तो ओमेगा आ जाएगा 2 पाई अपॉन टी रेडियन पर सेकेंड। 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी तो 2 पाई एफ। तो ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी के साथ साथ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं और 2 पाई एफ 2 पाई इंटू फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हैं। ओमेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी को 2 पाई अपॉन टी 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड में, और 2 पाई एफ 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी होता है। पर टी सेकंड में एक रिवोल्यूशन, तो एक सेकंड में 1 अपॉन टी रिवोल्यूशन, फ्रिक्वेंसी 2 पाई एफ। तो ओमेगा के ये तीनों फॉर्मूले, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी है, 2 पाई बाई टी भी है, 2 पाई एफ भी है, और इसको लगाने जा रहे हैं, इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स में ये पूछे जाते हैं। सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी पूछी, तो आप ये सोचो कि सेकंड हैंड का टाइम पीरियड क्या है। भाई, एंगुलर वेलोसिटी में निकालने में सबसे मेन चीज जो होती है वो टाइम पीरियड होता है। अगर किसी पार्टिकल का टाइम पीरियड कॉन्स्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट एंड वाइस वर्सा। तो अगर सेकंड हैंड की बात करें तो 60 सेकेंड में एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, घूम फिर के वहीं आ जाती है। तो ओमेगा कितना हो गया, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। मिनट हैंड की बात करें 60 मिनट, तो 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर मिनट। 4 सेकंड में चाहिए तो 2 पाई अपॉन 60 इंटू 60 रेडियन पर सेकेंड। आर एंड की बात करें तो आर एंड याद रखना 24 घंटे नहीं 12 घंटे, घड़ी 12 घंटे की होती ना, तो 2 पाई अपॉन 12 रेडियन पर आर। मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रेडियन पर मिनट 60 से मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकेंड में भी ला सकते हो, उस हिसाब से चेंज कर लो यूनिट। अर्थ सन के अबाउट 365 डेज, तो 2 पाई अपॉन 365 रेडियन पर डे। अब हर दिन में 86,400 सेकेंड होते तो मल्टीप्लाई करके रेडियन पर सेकेंड ला सकते हो। अर्थ अबाउट ओन एक्सिस 24 घंटे 24 आवर में एक रिवोल्यूशन, 2 पाई अपॉन 24 रेडियन पर आवर, सेकेंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन करते वक्त आपको दिया रहता है कि ये फैन है जिसकी फ्रिक्वेंसी 100 आरपीएम है, आरपीएम। तो आरपीएम कैसे डील करते हैं, तो आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। एक रिवोल्यूशन में 2 पाई का एंगल घुमा जाता है और मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो अगर n आरपीएम कहीं पे लिखा हुआ है तो इट मींस n इंटू 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकेंड। एक रिवोल्यूशन का 2 पाई ले लिया, मिनट के 60 सेकेंड ले लिए, तो n इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड हो गए। तो मान लो 100 आरपीएम लिखा है तो ये हो गया 100 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। 100 आरपीएम लिखा है तो 100 इंटू 2 पाई बाई 60 ये 100 इंटू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। ओमेगा के देखने में रेफरेंस भी मैटर करता है, नई नई चीजें बता रहा हूँ, ओमेगा के देखने में रेफरेंस मैटर करता है। ये आप बोलोगे ये कहाँ से आ गया, तो मान लो एक पार्टिकल पी है जो सर्किल में चल रहा है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है आकाश और एलन का, नीट वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए, जेई में भी मिल सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसको एक ऑब्जर्वर देके सी पे और एक देके सी डैश पे, तो पूछा जा रहा है कि दोनों के एंगुलर वेलोसिटी में क्या रेशियो होगा, क्या रिलेशन होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं 1:1, 1:2, 2:1, ऐसे कुछ दे रखा है। तो पहली चीज तो आप ये बताओ कि इसमें मतलब क्या है। ओमेगा तो डी थीटा बाई डी टी होता है, बट भाई जब ऑब्जर्वर सी है तो वो ये थीटा देखेगा, और अगर ऑब्जर्वर सी डैश है तो वो ये थीटा देखेगा। दोनों के थीटा डिफरेंट होंगे, बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जब पी चलेगा तो दोनों के थीटा अलग अलग चेंज होंगे। लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वो पेरीफेरी के एंगल का डबल होता है, तो थीटा थीटा डैश का डबल है। तो जब भी आप ओमेगा निकालोगे सेंटर के रेस्पेक्ट में, तो वो डी थीटा बाई डी टी, और सी डैश के रेस्पेक्ट में डी थीटा डैश बाई डी टी, और थीटा डैश थीटा का हमेशा आधा रहेगा। तो जब हाफ ऑफ डी थीटा बाई डी टी करोगे, डी बाई डी टी ऑफ थीटा डैश की जगह लिखा थीटा बाई टू, हाफ बाहर आ गया, हाफ डी थीटा बाई डी टी। यानी कि ये वाली जो एंगुलर वेलोसिटी है हमेशा सी वाली एंगुलर वेलोसिटी की आधी रहेगी, यानी कि सेंटर वाली पेरीफेरी वाली की हमेशा डबल रहेगी, क्योंकि एंगल ही डबल डबल रहेगा। जब ये 30 होगा तो 60 होगा, जब ये 30 से बढ़ के 40 होगा तो 80 हो जाएगा, तो उसी टाइम में डबल एंगल है तो एंगुलर वेलोसिटी भी डबल होगी। अच्छा, ऑब्जर्वर का डिपेंड करता है रोल, इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एक पार्टिकल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है v स्पीड से, एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है v स्पीड से, चलते चलते किसी से मैं इसके कोऑर्डिनेट दे रखे a, b, x में a, y में b। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ये ओरिजिन है, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहे हैं। तो बोलोगे ओमेगा जो होती है एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा बाई डी टी होती है, और डी थीटा बाई डी टी जो है आपको मैं एक सर्किल बना के बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक सर्किल है, ये सर्किल है, अच्छा सा सर्किल नहीं है ये। आपने किसी मोमेंट पे कुछ एंगल चला, किसी इंटरवल में कुछ एंगल चला थीटा या डेल्टा थीटा। जब आप लिखते हो ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी या डी थीटा अपॉन डी टी, तो डी थीटा एंगल, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो मान लो ये आर्क आपने लिखा डीएस, रेडियस लिखी आर, तो ये आपका देखिए एंगल आ चुका है इस समय तक, ये एंगल है आर्क अपॉन रेडियस। ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी, तो डी टी से डिवाइड करना है। अब देखिए डीएस अपॉन डी टी का है, छोटे टाइम इंटरवल में डीएस एक छोटा एंगल हो जाएगा, छोटे टाइम में ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस डीएस, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो उसको मैंने वी लिख लिया। तो ओमेगा बन जाएगा वी बाई आर, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस स्पीड, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वही यहाँ लगाने जा रहे हैं, बट देखिए यहाँ पे दिक्कत है, दिक्कत ये है कि ये जो ओरिजिन है इससे आप कनेक्ट करोगे तो ये आर जो है सर्किल की रेडियस, और ये जो वी है यहाँ पे जो वी होती है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सर्किल में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होती है, वो वाली वेलोसिटी, जबकि ये टेंजेंट के अलॉन्ग थोड़ी ना है। तो आप देखो इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, अगर मैं थीटा ले लूँ तो एक इसका कंपोनेंट वी टेंजेंशियल होगा, वी कॉस थीटा, एक ऐसे रेडियल कंपोनेंट होगा। अब देखिए रेडियल कंपोनेंट इस एंगल को बदलने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना, चेंज ही नहीं कर रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी है वो इस टेंजेंशियल कंपोनेंट से आ रही है, इस वाले इसके वेलोसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट से आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओमेगा इज इक्वल टू, मान लो थीटा अगर ये ले लें, ये वाला थीटा, पर ये थीटा तो ये वाला भी एंगल थीटा पैरेलल वाला, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, या ऐसे बोलो कि ये वी है ये थीटा, तो ये वी कॉस थीटा ये वी साइन थीटा। तो ओमेगा यहाँ पे वी बाई आर लिखने की बजाय वी साइन थीटा अपॉन आर लिखेंगे। अब आर अगर ये ए है ये बी है तो हाइपोटेन्यूज अंडर ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर होगा, और साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, तो ओमेगा सॉल्व करके वी बी अपॉन ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर आ जाएगा। बट मैंने बताया कि ओमेगा में किस तरीके से अगर टेंजेंशियल है तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा लगा लो, बट अगर टेंजेंशियल नहीं है तो ओमेगा वी बाई आर लगाते वक्त वेलोसिटी का याद रखना हमेशा टेंजेंशियल कंपोनेंट रखना होता है, वी टी बाई आर करना होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, या पूछो तो ऐप में डाउनलोड करके अपना जो भी डाउट है उसका पिक या स्नैपशॉट खींच के ऐप में अपलोड कर दो, फोरम में, वहाँ पे आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा।